ओम शांति, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3941, क्लेरिफाइड ऑन 10/4/2022। अधूरा रात्रि क्लास उठाया है 17 जनवरी 1969। एन इनकम्प्लीट नाइट क्लास डेटेड 17 जनवरी 1969 हैज बीन टेकन। वो सन्यासी बहुत करके मुझे हुए हैं। Most of the sannyasis are confused. Sannyasi, udasi, vidwan, achari. Kiske hai ye murli, kiski hai, kaun bajate hai? Sannyasis, udasis, scholars and teachers think, whose is this murli? Who plays it? Udasis means those who become sad thinking everything is false and just momentary. बस कृष्ण का ही नाम ले लिया हुआ है। They have just mentioned the name of Krishna. उनको ये मालूम नहीं है कि ये सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं, ये सभी पार्टधारी हैं। They don't know that all these human beings are actors. और एक्टर्स भी अविनाशी हैं। In addition, they are imperishable actors. मनुष्य मात्र हैं, जब भी आते हैं। Whenever the human beings come, शुरू से आते हैं तो आते तो सभी एक्ट करने के लिए आते हैं, बच्चे पार्ट बजाने आते हैं। They come from the beginning, so children, all of them come to act, to play their part. शुरू से लेकर के अंत तक आते ही रहते और पार्ट बजाते ही रहते। They just keep descending from the beginning till the end, and they keep playing their part. मुख्य एक्टर्स कौन है? पार्टधारी कौन है? Who are the chief actors and who are the ordinary actors? बाकी सभी पार्टधारी है इतने 500 करोड़। As for the rest, all these 5 billion souls are actors. ये किसको भी मालूम नहीं है। No one knows it. न ख्याल में है न कभी बुद्धि में। They are neither aware of it, nor does it ever strike their intellect. न उनको कोई ये मालूम है कि ये कोई खेल है बेहद का। They don't even know that it is an unlimited play. ये कोई एक बेहद का ड्रामा है। An unlimited drama. और ये सब एक्टर है, 500 करोड़ मनुष्य कहेंगे। And it will be said that all the 5 billion human beings are actors. इनको कहेंगे ये सभी एक्टर्स हैं और अविनाशी एक्टर्स हैं। All of them will be called actors and they are imperishable actors. इनका एक्ट या पार्ट कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। Their act or part can never be destroyed. और ये बात तो किसको मालूम ही नहीं है बच्चे। Children, no one knows it at all. तो बाप बैठ करके राज राज की नई नई बातें समझाते। So the father sits and explains new secrets. तो समझती हैं। अगर एक क्लास की भी मूर्ति मिस की मुरली मिस की तो जैसे ही स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। It is understood. If you miss even a single murli in the class, it is as if you are marked absent in school. तो absent तो नहीं पढ़नी चाहिए ना। So you should certainly not be absent in school, should you? स्कूल में जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास मिस नहीं करते हैं। Those who are good students in school don't miss their classes. क्योंकि absent पड़ जाती है। It is because they are marked absent.
और ये तो है बेहद के बाप का स्कूल। एंड दिस इज द स्कूल ऑफ द अनलिमिटेड फादर। उसमें तो जरा भी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। हियर यू शुडंट बी एब्सेंट एट ऑल, क्योंकि बहुत बड़े से बड़ा स्कूल है। इट इज बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट स्कूल। और ये बात किसी को मालूम भी नहीं। एंड नो वन नोज इट ईदर। दुनिया में कोई एक भी नहीं है जिसको ये मालूम है कि ये जो गीता की पाठशाला कहते हैं ये बेहद का बड़ा स्कूल है। देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु नोज दैट दिस गीता स्कूल इज अ बिग अनलिमिटेड स्कूल। और ये 5,000 वर्ष के बाद ये बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं, हर 5,000 वर्ष के बाद। एंड द अनलिमिटेड फादर कम्स एंड टीचेस अस आफ्टर 5,000 years, आफ्टर एवरी 5,000 years। तो ये तो तुम बच्चों को मालूम है ना? यू चिल्ड्रन सर्टेनली नो दिस, डोंट यू? सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इन एडिशन यू नो इट नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू योर पुरुषार्थ। शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नथिंग इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। तो जब ये पढ़ाई का पता ही नहीं है कि बाप आकर कब पढ़ाते हैं और कब कब आकर के पढ़ाते हैं। दे डोंट नो अबाउट द स्टडीज एट ऑल, दैट व्हेन द फादर कम्स एंड टीचेस अस एंड हाउ मेनी टाइम्स ही टीचेस आफ्टर कमिंग। पढ़ाई भी रिपीट करते हैं ना बच्चे। सो चिल्ड्रन ही रिपीट्स द नॉलेज एज वेल, डजंट ही? तो पढ़ाई भी रिपीट होती है। द नॉलेज ऑल्सो रिपीट्स। पढ़ाई से जो स्वर की स्थापना होती है वो भी रिपीट होती है। हेवन दैट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू नॉलेज ऑल्सो रिपीट्स। अब स्वर की स्थापना होती है। हेवन इज एस्टैब्लिश्ड नाउ। ये भी बेचारे नहीं जानते। द पुअर वंस डोंट नो दिस ईदर। तुम तो सदा वास्तव में जो कुछ भी हो। सर्टेनली यू ऑलवेज वॉट एवर यू आर इन रियालिटी। ये जो पढ़ाई है ये बच्ची बहुत 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 अथाह कमाई है। डॉटर देयर इज अ लॉट ऑफ इनकम, वेरी हाई इनकम इन दिस नॉलेज। ऐसे भी है कि पढ़ाई से मनुष्य बहुत कमाते हैं। दिस इज ऑल्सो फैक्ट दैट पीपल अर्न अ लॉट थ्रू स्टडीज। परंतु वो तो एक ही जन्म के लिए होती है ना बच्ची। बट डॉटर दैट इज जस्ट फॉर अ बर्थ, इजंट इट? फिर पढ़ना पड़े दूसरे जन्म में। दे हैव टू स्टडी अगेन इन द नेक्स्ट बर्थ। और ये पढ़ाई तो फिर बच्चों को जन्म जन्मांतर के लिए इसे पढ़ाई का फल मिल जाता है। एंड एज रिगार्ड्स दिस नॉलेज चिल्ड्रन रिसीव इट्स फ्रूट फॉर मेनी बर्थ्स। तो इसे पढ़ाई को एक तो तुम पढ़ाई एक सेकंड में भी पढ़ते हो। एज रिगार्ड्स दिस नॉलेज यू स्टडी इवन इन अ सेकंड। सिर्फ यही याद करते हो। यू जस्ट रिमेम्बर दिस। सृष्टि के चक्कर को या झाड़ को। यू रिमेम्बर द वर्ल्ड साइकिल और द वर्ल्ड ट्री। अभी झाड़ को जानने में कितनी देरी लगती है। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू नो द ट्री। तो तुम कोई भी बीज को हाथ में लियो तुमको सारा झाड़ का ज्ञान हो जाएगा। इफ यू टेक एनी सीड इन योर हैंड यू विल कम टू नो अबाउट द एंटायर ट्री। तो ये भी एक दफा सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान सुना तो पक्का पड़ जाना है ना। सो इफ यू लिसन टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ट्री वंस इट शुड बिकम फर्म, शुडंट इट? पक्का नहीं पड़ता है। इट डजंट बिकम फर्म। इसमें ये खूबी है एक। दिस हैज अ स्पेशलिटी। अरे बाबा ये कौन सी खूबी है जो हमारे दिल में भूल जाती है घड़ी घड़ी। अरे बाबा
विच इज दैट स्पेशलिटी दैट वी फॉरगेट अगेन एंड अगेन? और भूलने के कारण ही हमारे से कोई न कोई भूल हो जाती है फिर. एंड ओनली बिकॉज ऑफ फॉरगेटिंग इट वी मेक सम और द अदर मिस्टेक. जब बाबा को भूलते हैं और कुछ न कुछ भूल जरूर हो पड़ती है. When you forget Baba, you certainly make some or the other mistake. परंतु ये अवस्था जो आनी चाहिए वो अभी तो नहीं आती है ना बच्ची. But the stage that you should attain, you don't attain it now, do you daughter? ये अवस्था आती है पिछाड़ी में. You attain that stage in the end. क्योंकि सारा इस विनाश का इस पढ़ाई से ताल्लुक है. It is because destruction is entirely linked with this knowledge. जब तुम पढ़ करके पूरी करो और ये ज्ञान पूरा हो गए ड्रामा के प्लान अनुसार तब यहाँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो और वहां लड़ाई शुरू. When you complete your studies and this knowledge completes according to the drama plan, your studies will complete here and the fight will begin there. हाँ. Yes. इस पढ़ाई का ये सारा लड़ाई के ऊपर मदार है. This knowledge is entirely based on fight. सारा फिर बाप के ज्ञान के ऊपर है रोला है. All the obstacles are created in the knowledge of the father. क्योंकि ज्ञान भी तो है ना. इट इज बिकॉज देयर इज सर्टेनली नॉलेज इजंट देयर. शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाई होती है. स्कूल में बैठते हैं. स्टडीज कंटिन्यू फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड दे सिट इन स्कूल. जब वो दर्जे पूरे होते हैं तो पढ़ाई पूरी हुई. व्हेन दे पास द ग्रेड्स The study is complete. फिर चाहते हैं ऊपर का दर्जा पढ़ने का. Then they wish to study for a higher grade. 12 महीने में तो को पढ़ाई पूरी की ना कोई. They complete some studies in 12 months. फिर दूसरा दर्जा. Then they go to the next grade. तो ये तो एक ही दर्जा है. So, this is the only grade. दूसरा कोई दर्जा नहीं. There is no other grade at all. एक ही दर्जा है जो इतना बड़ा टाइम लेता है पढ़ाई में. There is only one grade which involves such a long time of studies. क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब तुम बाबा को याद करते करते जब तुम्हारे में से ये नंबर बार माला बन जाती है. It is because while studying, while remembering Baba, some out of you form the rosary number wise. उसके साथ है दूसरे का भी इम्तिहान पूरा हो जाता है. Along with you, the examination of others is also over. तब ये लड़ाई लगती है. It is then that the fight begins. है ना? It is correct, isn't it? तो तुम्हारा भी मदार लड़ाई के ऊपर. Everything of yours depends on the fight. लड़ाई का भी मदार तुम्हारे ऊपर. The fight depends on you. बाप का ज्ञान पूरा हुआ और जल्दी लड़ाई शुरू हो जाएगी. As soon as the knowledge of the father completes, the fight will begin. और तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो जरूर लड़ाई लग जाएगी. And when your study is complete, the fight will definitely begin. बने बनाई ड्रामा की बात है ना बच्ची. Daughter, it is about the preordained drama, isn't it? तो बाप बैठ करके ये सब बातें समझाते हैं. So the father sits and explains all these things. 17 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज. सेकेंड पेज ऑफ द नाइट क्लास डेटेड 17th जनवरी 1969.
बाप ही समझाते हैं, नहीं तो दुनिया भर में कोई एक भी मनुष्य नहीं है जिनको इन बातों का कुछ भी पता है। द फादर अलोन एक्सप्लेन्स इट, अदरवाइज देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड हु नोज इवन अ लिटिल ऑफ दीज थिंग्स। सो भी जो कुछ कहते हैं, स्टिल वॉट एवर दे से, तो बाबा जैसे कहते हैं आटे में लून कोई कोई है, उसमें भी कुछ राज नहीं। बाबा सेज देयर इज ट्रूथ इन इट टू सम एक्सटेंट लाइक द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन फ्लावर, देयर इज नो सीक्रेट इन दैट ईदर। देखो कहते सच्चे हैं भगवान वाच। लुक दे से द ट्रूथ दैट गॉड स्पीक्स। अरे पर भगवान किसको कहते हैं? अरे बट हु इज कॉल्ड गॉड? वो पता ही नहीं है। दे डोंट नो इट एट ऑल। सच कहते हैं कि भगवान वाच। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। दे ट्रूली से दैट गॉड सेज आई टीच राजयोग टू यू चिल्ड्रन। अभी राजयोग सिखलाया सो भी तो ठीक है। Now it is correct that I taught Rajyog to you. Rajyog सिखलाता हूँ, पर Rajyog कैसे सिखलाते हैं वो फिर किसको मालूम ही नहीं है। I teach Rajyog, but how I teach it, no one knows it at all. फिर देखो, दिखलाया ना? गीता किसने सुनाई? So look, it is shown, isn't it? Who narrated the गीता? ज्ञान किसने सुनाया? Who narrated the knowledge? ये राजयोग कैसे सुनाया? How did he narrate this knowledge of राजयोग? रिंचक भी मालूम नहीं? They don't know it at all. तो नई बात है ना बच्ची एकदम। So daughter, it is a completely new idea, isn't it? शास्त्रों में सभी हैं ये और वो सब हैं झूठी बातें। Everything mentioned in the scriptures is false. तो मेहनत लगती है बच्चों को भी। So the children also need to make efforts. उसी में भी सबसे जास्ती मेहनत लगती है बाप की याद में। In addition, most of the effort is required in the father's remembrance. क्योंकि यहाँ आत्मा को ऐसे भी नहीं है कि कोई सतयुग में किसको वो कोई बैठे करके अपन को आत्मा समझ करके और दूसरों को भी आत्मा समझते हैं। It is because here, it isn't that they consider themselves as well as others as a soul in the golden age. नहीं, वो बात वहाँ भी नहीं है। No, this doesn't happen there either. ऐसे मत समझो कि वहाँ आत्मा अभिमानी। Don't think that they stay soul conscious there. देह अभिमानी, आत्मा अभिमानी, यह अभिमानी, देह अभिमानी नहीं है, नहीं। There, body conscious, soul conscious, it isn't that. They don't stay body conscious there. No. वहाँ भी देह अभिमानी होते हैं। They stay body conscious there as well. समझा ना? You did understand, didn't you? क्योंकि देह के अभिमान बगैर ये कारोबार सभी चल नहीं सकता। It is because all these tasks can't be carried out without body consciousness. तो इस समय में सिर्फ तुम देही अभिमानी बनते हो। So you become soul conscious only at this time. क्योंकि बाप को याद करना है। It is because you have to remember the father. अपन को आत्मा समझे बाप को याद कर। You should consider yourself as a soul and remember the father. फिर कभी भी तुमको ये कोई कहने वाला भी नहीं है सिवाय बाप के कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। Then there is just no one apart from the father to tell you that consider yourself as a soul and remember the father.
कभी भी कोई भी नहीं कहेगा। नो वन विल एवर टेल यू दैट। सिर्फ अभी बाप कहते हैं। इट इज ओनली नाउ दैट द फादर टेल्स यू दैट। फिर तो कोई भी नहीं कहेगा तुमको। देन नो वन विल टेल यू दैट। न देवताएं ये अक्षर सुनती हैं, न कोई शूद्र सुनती है। Neither the deities nor the shudras hear these words. सिर्फ तुम ब्राह्मण सुनते हो। It is only you Brahmins who hear them. ये भी क्यों होता है? Why does even this happen? कि आत्मा को परमात्मा की याद से ये पाप कटने के। If a soul remembers the supreme soul, its sins will be destroyed. भले कोई कोई समझे कि अच्छा भाई बात तो मुख से करे। If someone thinks, all right, he should at least speak through the mouth. सो तो कृष्ण ही करेगा ना। कृष्ण अलोन विल डू दैट, वोंट ही? चलो पर तू बाप को याद करने, शिव बाबा को याद करने बिगड़े पाप तो नहीं कटेंगे। All right, but your sins won't be destroyed without remembering the father, Shiv Baba. कृष्ण को याद करने से तो किसी का पाप नहीं कटता है। No one's sins are destroyed by remembering Krishna. नहीं। No. तो मूल मूल जो बात है और जिसमें विघ्न है सो सिर्फ याद में है। So, the main thing in which obstacles are created is only remembrance. Om Shanti. Om Shanti.